मैं चाहे मर जाऊं भाई। ये कौन सा ज़ॉम्बी आ रहा है सीढ़ी लेके ऊपर से? ओ भाई रुक जा, हील करने दे। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आज की इस वीडियो में उज्जवल भाई खेल रहे हैं रेजिडेंट एवल 4 रिमेक का चैप्टर 5। वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में उज्जवल भाई का कुछ रिएक्शंस क्लिप देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम चैप्टर 4 में उज्जवल भाई US प्रेसिडेंट की बेटी एस्ली को ढूंढ लिया था, और तभी कोई जादूगर मंत्र पढ़ने के बाद सारा ज़ॉम्बी उज्जवल भाई को मारने के लिए आ चुका था। आपने चैप्टर 4 वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। ज़ॉम्बी सर्च के अंदर आ चुका है तो उज्जवल भाई ऊपर सीढ़ी से होते हुए खिड़की से बाहर निकल जाते हैं दोनों, और थोड़े आगे जाने के बाद रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज आ जाता है और तगड़ा वाला फाइट हो जाता है ज़ॉम्बीज के साथ, और ज़ॉम्बी उज्जवल भाई का सिर धर से अलग कर देता है और उज्जवल भाई का वही पर काम तमाम। निकल, ओ भाई भाग भाग, उठ भाग, ये एक काम इतना आसान नहीं है। दोबारा कोशिश करते हैं और फिर से टकरा वाला फाइट कर ही रहे थे तभी एक ज़ॉम्बी एस्ली को कंधे पे उठा के लेके जाने लगता है, और उज्जवल भाई मशीन गन बजा देता है और ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद आगे चला जाता है, और फिर से दुकानदार मिल जाता है और उज्जवल भाई गन अपग्रेड करके आगे चला जाता है, और उज्जवल भाई दूसरा साइड चला जाता है और फिर से कुछ ज़ॉम्बीज आ जाता है और टकरा वाला फाइट हो जाता है, और ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद आगे की ओर जा रहा था तभी एक गेट मिल जाता है। गेट लॉक्ड है तो उज्जवल भाई दूसरा साइड चला जाता है, फिर से एक और गेट मिल जाता है और ये वाला गेट खोल जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद टगरा वाला ज़ॉम्बी आ जाता है भूल का मास्क पहनने वाला, और उज्जवल भाई स्नैपर बजा के मार ही देता है। ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फिर मैं स्नाइपर ही मारता हूँ, चल यहाँ से, शॉटगन भी लेगा ये ले फिर। ओ तू मर क्यों नहीं रहा? कल गया भाई, दो राइफल के शॉट और ये सब खाने के बाद ही मरा। और कुछ ज़ॉम्बीज उज्जवल भाई का पीछे पर जाता है, और तभी एक बंदा उज्जवल भाई को घर के अंदर बुलाता है। ये वही बंदा है जिसको उज्जवल भाई बोरी में से बचाया था। इस बंदे का नाम है लुइस। ज़ॉम्बी पीछे पड़ा हुआ था तो एस्ली को छुपा देता है। उज्जवल भाई और लुइस दोनों मिलकर टकराव वाला फाइट करते हैं। थोड़ी देर फाइट करने के बाद फिर से वुल्फ मास्क पहनने वाला ज़ॉम्बी आ जाता है और उज्जवल भाई स्नैपर बजा के मार देता है, और तभी एस्ली दरवाजा खोल के उज्जवल भाई को बुलाते हैं और एस्ली को एग्जिट का रास्ता मिल चुका है, और तभी एस्ली की मुंह से खांसते वक्त खून निकलने लगता है, और लुइस कहता है कि उसको इसका इलाज पता है और वो वहां से चला जाता है, और यही पर चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा वो हमें चैप्टर 6 में देखने को मिलेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फुल गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हो तो फुल गेम प्ले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप भी उज्जवल भाई के टकरा वाला फैन हो तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ज़ॉम्बी बन गई क्या? वो जो ज़ॉम्बी बनने के सिम्टम्स है वो इसके अंदर दिख रहे हैं। अभी इसके पास इसका इलाज है पर ये लेके चल रहा है, बता नहीं रहा क्या है कैसे होगा। इसको भी मतलब ये भी इसके साथ ये प्रॉब्लम हो, कॉन्टेक्ट ये तो चलेगा अकेले ही, ये क्या चल रहा है भाई, सच में नहीं समझ आ रहा। खैर ये वाला चैप्टर में भी हम लोग इसको एस्केप नहीं करा पाए, एक जगह पर लेकर आ गए हैं जो कि सेफ है, जो बंदा में उसको वो जो लड़की है वो भी फुल सेफ नहीं है, बचकर आ गए ज़ॉम्बी से, पर अभी उसके अंदर वो सिम्टम्स निकल गए हैं जिससे वो ज़ॉम्बी बन सकती है। मतलब अभी उसका इलाज नहीं करा तो वो ज़ॉम्बी ही बन जाएगी। उसका इलाज इस बंदे को आता है और ये बंदा पता नहीं कहाँ चला गया। खैर ठीक है, आई होप आप लोग को आज का वाला एपिसोड भी जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार वीडियो को जाके कर दो लाइक, इस वीडियो पर 5 लाख लाइक का ये मैं तो फटाफट से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और कमेंट्स में जाके बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।